अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर दे रखे हो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तब हम उसको बोलते हैं एपी ठीक तो है, 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 है तो पर पर एक एक है, है, दे दे रखे हैं, हमें इस में पता करना तो देखिए किसी भी एपी में हमें कोई से number का term पता करना हो तो उसका हमारे पास एक फॉर्मुला होता है ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन क्या है टर्म टर्म पर 14th पूछा है तो एन की वैल्यू हो जाएगी 14 और A, हमारे पास यह है. इस A, में जो तो इस एपी में ए की वैल्यू क्या होगी ए का मतलब लिख दिया डी डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस होता है कोई भी दो लगातार टर्म ले लो कोई भी दो लगातार

तो ए फोर्टीन इक्वल टू एन की जगह लिख देंगे तो 14 minus 1 into D, common difference कितना है 3 है solve कर देते हैं प्लस के साथ ये है ना तो इन दोनों के हो रहा है थर्टीन इंटू थ्री तो कितना आ गया देखिए कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं कि पहले इनको जोड़ देते हैं पहले आपको प्लस नहीं करना है हमेशा ध्यान रखो बोर्ड मास वाला रूल कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर जाके प्लस होता है ठीक है तो पहले मल्टीप्लाई करती थर्टी नाइन आ गया थर्टी नाइन प्लस फाइव कितना आ गया ये आ गया फोर्टी फोर ठीक है फोर्टी फोर हमारा आंसर आ गया तो इस ए पी का जो फोर्टीन टर्म होगा वो क्या होगा फोर्टी फोर उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके थैंक यू